अबू को इंजन लाइट का प्रॉब्लम था कर करके, मेरा भाई आता भी नहीं था। फिर हम लोग कितने फोन किए भाई को कि तुम आ जाओ, तीन चार दिन के बाद आए। मिनट कर करके तो उसकी शक्ल नहीं देखी, बहुत याद आती है। अम्मी और अब्बू दोनों याद आते हैं। अम्मी ने और अब्बू ने बहुत अच्छी तरह रखा। उनके जाने के बाद मैं बहुत रोई हूँ, बहुत रोई। बहन भाई की तरफ से मैं चुकी नहीं हूँ। जनवरी 2025 में बिनते फातिमा से जितनी माई जा रही है, आप उनकी मदद करें और जो उम्रे पर मेरे को भेजेंगे उनके लिए भी मैं दुआ करूंगी। वासिलों को तकल्लुफ हमसे अगर हम भी बेबस नहीं बेचारा नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बतूल हाशिम कामदार है। बिनते फातिमा में 7 साल से हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छी तरह अम्मी ने रखा है और मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और दूसरी बात ये है कि मेरी शादी नहीं हुई है। फिर बहन भाई थे तो वो भाई शादी करके चला गया, अबू को इंजन लाइन का प्रॉब्लम था तो इंजन लाइन की दवाई बवाई डॉक्टर ने दी। थोड़े दिन की तबीयत सही रही, फिर वो इंतकाल कर गए। फिर मेरे अम्मी और मैं घर में अकेले थे तो बहुत हम लोग रोए कि अभी हम लोग का क्या होगा। फिर मेरा भाई आता भी नहीं था। फिर हम लोग कितने फ़ोन किए भाई को कि तुम आ जाओ और हम अबू के इंतकाल हो गए तो उसमें शरीक हो जाओ। तो वो कितने 3-4 दिन के बाद आए। और फिर उसके बाद अम्मी को वो भाई कहने लगा कि तुम तैयार हो जाओ, मैं आपको ले जाता हूँ। तो मैंने भाई को कहा कि मेरे को भी साथ में ले जाना, मेरे को अकेला नहीं छोड़ना। तो भाई ने कहा तुम यहाँ पे रहो। अबू तो इंतकाल कर गए तो मैंने उसकी शक्ल देखी, लेकिन अम्मी इंतकाल कर गए तो उसकी शक्ल नहीं देखी। जब अम्मी इंतकाल करके उसके बाद ना भाई का फ़ोन आया ना बहन का फ़ोन आया, दोनों ने बंद कर दिए। बहुत याद आती है, अम्मी और अब्बू दोनों याद आते हैं। अम्मी ने और अब्बू ने बहुत अच्छी तरह रखा। उनके साथ जितने भी साल रही मैं खुश रही। उनके जाने के बाद मैं बहुत रोई हूँ, बहुत रोई। फिर घर भी भाई ने बेच दिया। बहन भाई की तरफ से मैं चुकी नहीं हूँ, बहन भाई रखते नहीं है। मैं बहुत रोती थी पर्दा नामा, मेरे को कहने लगे कि यासीन पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ो और उनको बॉइस दो। मैं दिन रात नाते भी पढ़ती हूँ। मदीने को जाए ये जी जाता है, मुकद्दर बनाए ये जी जाता है। उम्रे का तो कितने 6-7 साल हो गए। तो अम्मी भी कहती थी, भाभी भी कहती थी और आप भी कहते थे कि चलो चलो, घुटने की वजह से मैं मना करती थी। तो फिर आप लोगों ने मेरे को भेजा वहाँ पे हॉस्पिटल में, तो मेरे को बुखार की भी दवाई दी, मेरे को चक्कर जो आते थे उसकी भी दवाई दी। तो अल्लाह ताला के फजीलत है, अल्लाह ताला बस बचाने वाला है, अल्लाह ताला ने बचाया मेरे को। लेकिन अभी मेरे को लगता है कि अल्लाह ताला ने है ना तो घुटने भी सही कर देगा, मैं जाऊँगी तो, और अल्लाह ताला मेरी हर बीमारी को दूर करेगा और मैं सही से जाऊँगी और सही से वापस आ जाऊँगी। जनवरी 2025 में जितनी यहाँ बिनते फातिमा से जितनी माई जा रही है, आप उनकी मदद करें तो वो आसानी से वो जा सके और अपने इबादत कर सके वहाँ पे जाकर। और जो उम्रे पर मेरे को भेजेंगे उनके लिए भी मैं दुआ करूँगी। तो अल्लाह ताला उनको बहुत ही उनके रोज़गार में अल्लाह ताला मदद करे और उनको अल्लाह ताला रोज़ी में बरकत दे। और मेरी जो अम्मी का इंतकाल हो गया है उनके लिए भी दुआ करूँगी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। बहन भाई कितनी समझ दे कि वो एक छोटी बहन का करे और उनको साथ में रखे। वासिलों को तकल्लुफ हमसे अगर हम भी बेबस नहीं बेचारा नहीं।